नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो है आईफोन 7 प्लस के लिए, फोन फट गया। दोस्तों ये जो रोज गोल्ड कलर का आईफोन 7 प्लस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि फोन फटा है। एप्पल ये बोलता है कि हम इस मामले में जाएंगे अंदर, देखेंगे इन्वेस्टिगेशन करके कि आखिर क्या हुआ था इस फोन के साथ में। अब यहाँ पे एक और अपडेट निकल के ये आया है कि इस फोन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। जब इसको लेके जाया गया एप्पल स्टोर तो वहां पर उन्होंने चेक करके बता दिया कि फोन बिल्कुल ठीक है और अगले ही दिन फोन फट गया। हालांकि मेरा 7 प्लस बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन नोट 7 जैसे किस्मत हर एक को नहीं मिलती भाई। एक आधा फोन फट गया वो अलग बात है, बाकी नो कमेंट्स। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है एलो के लिए, गूगल एलो। अगर आपको याद हो तो एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, अगर आप उसको अभी तक भी यूज करते हैं, शायद आपने यूज करना उसको छोड़ ही दिया होगा। तो यहां पे दोस्तों उसका वेब क्लाइंट, जैसे कि आप यूज करते हैं ऑनलाइन web.whatsapp.com पे जाके व्हाट्सएप को, तो वो क्लाइंट बहुत ही जल्दी आने वाला है ऐसी कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। अब देखते हैं कि कितने यूजर्स यूज करते हैं और उसमें से कितने यूजर्स ऐसे होंगे जो ऑनलाइन एलो को यूज करेंगे। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है फायरफॉक्स की तरफ से, और फायरफॉक्स बहुत जल्दी टेस्ट कर रहा है एक फीचर को लॉन्च करने का जो होने वाला है स्नूज टैब्स। यानी कि जो भी आप अपने ब्राउजर में अलग अलग टैब्स खोलते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम कोई इंपॉर्टेंट टैब खोलते हैं और बाद में भूल जाते हैं उसको देखना और ऐसे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं, या फिर अगर किसी टैब में कोई एक्टिविटी हो रही है, अगर आपको पता है कि 2 मिनट के बाद में आपको देखना है कि 10 मिनट के बाद में आपको देखना है, तो वो आप भूल जाते हैं। तो यहां पर फायरफॉक्स का जो नया अपडेट आएगा उसके बाद में आप यहां पर स्नूज का ऑप्शन होगा, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि भाई कितने मिनट के बाद में, या फिर सुबह शाम कल परसों कितने दिन के बाद में आपको उस टैब पे दोबारा काम पड़ेगा, तो वो टैब उतने टाइम के बाद में ही आपके सामने दोबारा पॉपअप करके आ जाएगी। अच्छी चीज है अगर आप ऐसा काम करते हैं, बहुत सारे टैब्स को आपको मैनेज करना पड़ता है, तो एक अच्छा ऑप्शन है यहां पे। तो सुनो अगला अपडेट है वो है स्नैपड्रैगन 835 के लिए, और ये किसी फोन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये है दोस्तों एक स्टैंड अलोन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के लिए। क्वालकॉम ने यहां पे कुछ रेफरेंस डिजाइन को तैयार किया है जो आगे देने वाला है OEMs को, कि अगर वो चाहते हैं VR हेडसेट डेवलप करना जहां पे जो पूरा दिल होगा वो होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का, किसी फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे आपको इंटरनली ही एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। हर एक आंख के लिए यहां पे 2K का डिस्प्ले है, टोटल जो डिस्प्ले है वो है करीब करीब 4K का, तो अच्छी चीज है। और क्या पता आपको ऐसे अलग अलग ब्रांड्स जो है वो ऐसे ही VR हेडसेट्स लेके आते हुए दिखे जहां पे आपको फोन ना लगाना पड़े, डायरेक्टली पहनिए और आप VR को यूज कर पाएंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप यूज करते हैं क्रोम ब्राउजर, फिर चाहे आप यूज करते हो विंडोज या फिर मैक, यहां पे दोस्तों एक अलग ही टाइप का मैलवेयर निकल के आया है जिसका नाम है, नाम तो नहीं पता, जिसका दोस्तों यहां पे पहचान जो है वो ये है कि फोंट वॉजंट फाउंड। आप अगर ये देखें कि आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहां पे आपको अगर ऐसा एरर देखने को मिलता है कि फोंट वॉजंट फाउंड, क्लिक करें फोंट का डाउनलोड करने के लिए पैक और वो आपको दिखेगा बिल्कुल क्रोम लोगों के साथ में, एकदम ऐसा आपको लगता है कि बिल्कुल असली हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप वहां पे ओके करते हैं तो जो पैक आपके पास में आता है वो है एक मैलवेयर। और मजे की बात तो यहां पे ये है कि टोटल 59 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से स्कैन किया गया, उसमें से सिर्फ 9 ने ये पता लगाया कि ये मैलवेयर है, बाकी के जो 50 थे वो उसको पता भी नहीं लगा पाए। तो अगर आप क्रोम यूज करते हैं, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे ऐसा कोई पॉपअप देखें तो कहीं पे क्लिक क्लिक ना करें, सीधा क्लोज कर दें, उसी में शायद आपका कंप्यूटर बचा रहेगा। तो सर अगला अपडेट है वो है रिंगिंग बेल्स के बारे में, रिंगिंग बेल्स ने आज तक किसी बेल को रिंग नहीं किया, इतने करोड़ हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आ गए हैं, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, आधे ऑनलाइन देंगे आधे ऑफलाइन देंगे, जो फ्रीडम उसको क्या दोस्तों था वो मेरे लिए तो हालांकि काफी अच्छा था, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई वो काफी पॉपुलर भी हुई थी, लेकिन यहां पे लोगों के साथ में बहुत धोखा सा हुआ एक तरीके से, कि सपने बुन लिए थे और बाद में पैसे मिले, रिफंड कभी आए कभी वेट करते रहे, फोन मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां पे दोस्तों उनके जो फाउंडर है मिस्टर मोहित गोयल, उनको कर लिया है पुलिस ने अरेस्ट। ये मामला है चीटिंग का, उन्होंने एक डीलर अपॉइंट करने के लिए 30 लाख रुपए लिए थे, बदले में पैसा पूरा नहीं दे पाए और अब हो गए हैं पुलिस की हिरासत में। अब देखो कि घंटी जाके अगली कब बजती है। वैसे घंटी से याद आया कि अगर आपने अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब बटन के नेक्स्ट जो घंटी होती है वो नहीं दबाई है तो दबा दो, ऐसा करने से आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा। ये हुई मेरी तरफ से रिंगिंग बेल्स। तो सर अगले यहां पे अपडेट है वो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वेमो जो है, जो अल्फाबेट की एक सब्सिडियरी है जो काम दोस्तों करती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, उसने सू कर दिया है उबर को और बोलते हैं कि आपने हमारी टेक्नोलॉजी को चुराया है जो हम काम में लेते हैं हमारी
सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, वही कुछ जो है वो ऊबर काम में ले रहा है अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, और इसके लिए कर दिया है सू। चलता रहता है भाई कि मैंने ये इन्वेंट किया ना तो ये सिर्फ मेरा है, कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही सीन है, अब देखते हैं कि ऊबर सामने से क्या जवाब देता है। और ऊबर और ओला का लगता है दोस्तों कि इंडिया में शायद लॉस होने वाला है, जो हाल अभी हो रहा है एयरटेल का, आइडिया का, वोडाफोन वगैरह का, तो वही सेम चीज है। क्योंकि यहां पर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रिलायंस बहुत जल्दी अपनी कैब सर्विस को भी लॉन्च करने वाला है। इमेजिन करो कि एक दिन आप सुबह उठे, अखबार में देखें, आपको ये पता चले कि 3 महीने तक कैब्स अनलिमिटेड फ्री, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। तो दोस्तों हो सकता है ऐसा ही कुछ हो कि आपको बहुत ही कमाल की यहाँ पे रेट्स वगैरह मिले, और ये क्या पता बहुत ही जल्दी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं कि रिलायंस कैब फील्ड के मार्केट में भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है हाइपर लूप के लिए। इंडिया में हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि दिल्ली के आसपास कहीं डेवलपमेंट हो सकता है, मुंबई पुणे के आसपास कहीं डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों कल एक इंडिया में इवेंट होने वाला है दिल्ली में ही, जहाँ पे जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे हमारे इंडिया के रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु। और इस इवेंट में हाइपरलूप अपना कुछ रखेगा विजन की वो इंडिया में आगे क्या सोचता है, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। तो देखते हैं कि कभी ना कभी 5 साल 10 साल 15 साल में हमको इंडिया में भी हाइपरलूप जरूर देखने को मिल ही जाएगा। तो सुनो अगला अपडेट वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के बारे में और LG G6 के बारे में। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो मार्केट लॉन्च डेट होगी, जिस दिन से आपको फोन मिलना शुरू हो जाएगा बाजार में, वो S8 के लिए होने वाली है 21 अप्रैल और LG G6 के लिए होगी 10 मार्च। तो मैं LG G6 को सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि 51 दिन है आपके पास, जो करना है कर लो, 21 तारीख के बाद तो बिकना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा ही होगा, पहले अगर बिक जाओ तो अच्छी बात है। तो सुनो अगला अपडेट है वो एक और घंटी बजाने वाली कंपनी के नाम पे है, और यहां पर दोस्तों 156 रुपए में आपको मिलता है एक ऐसा फोन जहां पे 4G का सपोर्ट है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 इंच का HD डिस्प्ले है, मीडिया टेक का आपको मिलता है 6750 प्रोसेसर, 4G फोन, ड्यूअल सिम फोन, और साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। अगर आप देते हैं 156 रुपए पे यू मनी से, 28 फरवरी तक का आपके पास में मौका है, तो आप ये फोन ले पाएंगे 2017 के एंड में। हम इतने भी पागल नहीं है कि हम ऐसे 156 रुपए देते रहेंगे और फोन का मजा लेते रहेंगे, मतलब क्या है भैया। कंपनी की वेबसाइट जो है वो 4 दिन पहले शुरू हुई है और ऐसे दोस्तों लगा रहे हैं सामने तरह तरह के बैनर। आपसे एक ही गुजारिश है कि कभी भी किसी भी ऐसी कंपनी को एडवांस पेमेंट मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, सपने दिखा रहे भैया, अजीब सी बना रखी है वेबसाइट एक, तो बच के रहो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। तो सुनो अगला अपडेट है वो है स्पेस एक्स के बारे में, और स्पेस एक्स ने जो अबॉर्ट कर दिया था मिशन को जुड़ने का ISS के साथ में, यहाँ पे GPS में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो फाइनली मिशन कंप्लीट कर लिया है। फाइनली ISS तक जाके अपना सारा सामान जो लगेगा था कंप्लीट कार्गो वो पहुंचा दिया है। तो बड़ी बधाई है स्पेस एक्स को, और बड़ी मुश्किलें हुई थी पहले जब रॉकेट ब्लास्ट हो गया, तरह तरह के जो सारे हुए थे ड्रामे स्टार्टिंग में, लेकिन फाइनली पहला सक्सेसफुल लॉन्च है और उम्मीद यही करते हैं कि हम मार्स पे बहुत जल्दी जाएंगे। तो सुनो अगला अपडेट है वो मेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि Xiaomi का जो Mi Mix है वो अब UAE में ऑफिशियली Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है एक इवेंट के बाद में, और वो मार्केट में बहुत ही जल्दी यानी कि करीब अगले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। और मार्केट में मिलने से मेरा मतलब ये है कि यहां पे 3 फोन्स बेसिकली लॉन्च किए हैं Xiaomi, कुछ फोन्स पहले से यहां पे आते हैं, अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं वो है Redmi Note 4, Redmi 4A और Mi Mix, और ये तीनों ओपनली मार्केट में मिलेंगे, कोई फ्लैश सेल नहीं, कोई बुकिंग नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि भाई ये ऐसा करते क्यों हैं, एक मार्केट में फोन बहुत सारे, दूसरे मार्केट में फोन है ही नहीं, ऊपर से पूरी दुनिया में भी कब्जा करना है, ऊपर से छतरी लैंप ट्यूबलाइट पता नहीं क्या क्या लॉन्च करना है। तो चलो देखो आगे क्या होता है, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार इंडिया ट्रिप कंप्लीट करता हूं, उसके बाद में आके Mi Mix को जरूर परचेज करूंगा। तो सुनो अगला अपडेट है वो है Motorola Moto Mods के बारे में। अगर आप यूज करते हैं Moto Z, Moto Z Play वगैरह, तो यहां पे Motorola 2017 में 12 अलग अलग तरह के Moto Mods को लेकर प्लान करता है, क्योंकि रिपोर्ट दोस्तों यही कहती है कि जो Moto Z का 2017 वर्जन आएगा वहां पे भी आपको सेम Moto Mods का सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पे एक तो लीक होके आई है जहां पे आपको मिलेगा एक स्लाइडर फिजिकल क्वालिटी कीपैड, ये पहले हम कुछ फोन्स में देखते थे जैसे कि नोकिया का था E75, वहां पे सिमिलर डिजाइन आपको मिलता था। उसके अलावा आईफोन के लिए बहुत सारे ऐसे कवर्स भी आते थे मार्केट में। तो अभी Moto Mod अगर ऐसा लेके आएगा तो आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में कितने इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों जो फाइनल अपडेट है वो है व्हाट्सएप पेमेंट्स के बारे में। अब देखिए व्हाट्सएप ने इंडिया में
200 मिलियन यूजर्स का जो एक एक्टिव यूजर बेस है उसको कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इतने एक्टिव यूजर्स हैं व्हाट्सएप के इंडिया में। और अब व्हाट्सएप सोचता है कि अगर हम यहां पे पेमेंट्स को भी इंटीग्रेट कर दें तो वो कितनी अच्छी बात होगी। यहां पे दोस्तों व्हाट्सएप के जो को फाउंडर थे उन्होंने मीटिंग करी है जो हमारे इंडिया के IT मिनिस्टर है मिस्टर रविशंकर प्रसाद उनके साथ में, और प्लान यह है कि शायद व्हाट्सएप पेमेंट्स कुछ आ सकते हैं। तो चीज तो हालांकि अच्छी होगी कि आपको तरह तरह की एप्स नहीं खोलनी है व्हाट्सएप पे अक्रॉस फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो मान लीजिए 10 रुपए 15 20 50 रुपए अगर आपको आपस में कभी भी भेजने पड़ते हैं, अगर आप कोई कंबाइंड पार्टी कर रहे हैं, अगर आपने कुछ फंड इकट्ठा करना है, जो भी चीजें हैं, तो ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप का यूज करेंगे तो ऑप्शन तो अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये चीज रियलिटी में कभी कन्वर्ट हो पाती है या नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक लास्ट अपडेट जो एक लेटेस्ट र्यूमर आ रहा है यूट्यूब की तरफ से, वो ये है कि कल सुबह शायद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हमारे अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के। आपको उसके लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।